दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही क्रूशल टॉपिक के बारे में जो कि पाई नेटवर्क की तरफ से है और आप सभी के मन में क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे लोग अभी पाई नेटवर्क के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। बट इसकी एक्चुअल क्या रियलिटी है, जब ये लॉन्च होगा तब ये क्या आपको सारी जो आपने चीज़ें सोच रखी हैं कि आप लखपति या करोड़पति बन जाएंगे या आप सभी को एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन देगा या आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा ये क्रिप्टो करेंसी, तो आप सभी के मन में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उसके साथ ये भी रहता है कि इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी और कब इसका प्राइस हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर तो हम इसको देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रमोशंस देख पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख पाते हैं और बार्टर सिस्टम भी देख पाते हैं और इसकी लिस्टिंग भी देख पाते हैं, मतलब सब कुछ देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल जो चीज़ रियल है वो हमें अभी तक नहीं मिली या नहीं देखने को मिली, जिस वजह से हमारा जो पेशेंस है कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और बहुत सारे लोग इस वजह से भी डिस्टर्ब हैं कि KYC को लेके ये अच्छे से काम नहीं कर रहे और हमारी KYC अटकी हुई है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पाई ब्राउज़र के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को ऑन कर रखा है जिससे वे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारे आप सभी के मन में डाउट्स है, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर क्लियर की जाएगी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप करोगे तो चीज़ों को आप मिस कर दोगे, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है, पाई नेटवर्क पाथ टू मैनेज मैच्योरिटी KYC प्रोग्रेस एंड गोल्स शेप लॉन्च टाइमलाइन, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाएगा और उसके साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगा जो मैंने अभी आप सभी को बोली थी। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द पाई नेटवर्क अ हाईली एंटिसिपेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट एम्ड एट डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसीज। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर पाई नेटवर्क ने अपनी किस तरीके से पहचान बना रखी है और उसके साथ बताया जा रहा हैज़ बीन कैप्टिवेटिंग द अटेंशन ऑफ मिलियन वर्ल्ड वाइड फॉर ओवर 4 ईयर्स। 4 सालों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के अंदर इसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है जिसमें कि 5 करोड़ से ऊपर एक्टिव यूज़र्स हैं और 100 मिलियन से आसपास इसके टोटल यूज़र्स हैं जिन्होंने मतलब एप्लीकेशंस वगैरह को डाउनलोड किया है। तो कहीं ना कहीं 4 साल के अंदर और वो भी क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और उसके साथ पाई नेटवर्क क्या है, सबसे बड़ी बात ये फ्री में माइंड किया जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आप सभी को देता रहता है। अब हम बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में कि सबसे बड़ी बात होती है ओपन मैनेंट के बारे में। तो ओपन मैनेंट को लेके आप सभी को नाइकोलस ने भी क्लियर किया है स्टेटमेंट के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, कि हमारी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है KYC और दूसरी है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ को लेके आप सभी को पता है हैक्टेन के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस पे काम किया जा रहा है और बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आ चुकी हैं और सक्सेसफुली रन भी कर रही हैं। और पाई नेटवर्क ऑफिशियली अप्रिशिएट करता है उन सभी डेवलपर्स को जो लोग एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं और जिनकी एप्लीकेशंस को मैक्सिमम लोग मतलब उसके यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को अच्छे खासे रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलता है जो आज ऑफिशियली भी अपडेट इन्होंने किया है। KYC को लेके उतना सारा चीज़ें अपडेट नहीं करते बट मोटा मोटी इन्होंने बताया है कि अभी ये माइनर को लेके भी काम कर रहे हैं और उसके साथ जो नॉर्मल जो पाइनियर्स हैं उनके नेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात की जा रही है। तो ये जो बातें हो रही हैं बट एक एक्चुअल जो सोल्यूशन होता है ना वो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स की तरफ चलें या हम कोई और चीज़ को देखें जैसे कि बिटकॉइन को देखें या किसी और क्रिप्टोकरेंसीज को देखें, अगर हमें वहाँ पे अपनी KYC वेरीफाई करानी होती है तो हमारी कुछ ही घंटों के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत भी आती है तो उसको तुरंत रिसबमिट का बटन या कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिलता है। और बात की जाए कि यूज़र बेस की, तो यूज़र बेस वहाँ पर भी कम नहीं होते, वहाँ पर भी करोड़ों के यूज़र बेस है बट वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये भी होती है ना कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो या कहीं और पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म आपसे चार्जेस वगैरह भी लेता है, ठीक है। वो तो आप सबको पता होगा कि कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसका कुछ परसेंट तो पहले आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देने के बाद कुछ परसेंट आपको उस प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है जिस प्लेटफॉर्म को बेसिकली आप यूज़ कर रहे हो। तो उस मेंटेनेंस का मतलब वो जो पैसा दे रहे हो ना आप उसी से वो मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप बाइनेंस को यूज़ करते हो तो बाइनेंस बहुत ही स्मूथ परफॉर्म किया जाता है
और जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है तो कोई भी वहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलती, वजीरेक्स वगैरह में देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे उतना मेंटेनेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ये बन जाती है, पाई नेटवर्क फ्री में माइन करा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्कलोड है क्योंकि जितने भी उसके पास एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कहीं ना कहीं सारी ऑटोमेशन पर ही डिपेंड है क्योंकि एम्प्लॉयज़ लिमिटेड अकाउंट्स को ही वेरीफाई कर पाएंगे जो अभी हाल फिलहाल के अंदर 5 मिलियन के आसपास इन्होंने वेरीफाई किए हैं। तो आई होप सो कि जल्दी ये वेरीफाई करें, अगर आपने फ्री निकाला है तो सारी चीज़ों को मेंटेन करो। जिस तरीके से जियो ने एंट्री ली थी इंडिया के अंदर इंटरनेट के मामले में, इसने स्टार्टिंग में सबको फ्री में दिया और ऐसा नहीं है कि फ्री का मतलब ये था कि बिल्कुल इंटरनेट बकवास आ रहा है, बहुत ही स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने देखी थी 4G की जब स्टार्टिंग में जियो को कुछ महीने के लिए फ्री किया गया था, फिर लोगों को उसकी आदत पड़ी, फिर ने उसका चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले दिखाया कि इसकी नीड कैसे पड़ रही है आपको, मतलब आपको पहले भूख दी कि हाँ भाई इंटरनेट कैसे काम करता है और फिर धीरे धीरे करके आपको जब इंटरेस्ट लगने लगा देन आपने इसको कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया। और आज की डेट में हर बंदे के पास अगर उसकी 10,000-12,000 की भी सैलरी होगी ना तब भी वो 10-15,000 का फ़ोन मिनिमम लेके चलेगा और उसके अंदर रिचार्ज भी वो कराता है 600-700 रुपये का, 3-4 महीने का जो भी रिचार्ज होता है जैसा भी आपका प्लान है, ठीक है। और ये रिचार्ज पहले बहुत महंगे हुआ करते थे क्योंकि आप सभी को पता है कितना एक्सपेंसिव था। जिस तरीके से मार्केट के अंदर जियो आया उसने सारी मार्केट्स को जितने भी कॉलिंग इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको कहीं ना कहीं बीट करा, ठीक है। सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी होंगी क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर जो और भी क्रिप्टो करेंसीज़ है वो भी NFTs, Web3, Metaverse, ठीक है, DAO, गेमिंग, ये चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगी। पाई नेटवर्क कोई स्पेशल नहीं है कि ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और भी चीज़ें हैं जो वो भी प्रोवाइड करेंगी। उन सब में से बेहतर अगर पाई नेटवर्क कर रहा है देन ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। ये पूरा खेल है पाई नेटवर्क का और पाई नेटवर्क धीरे धीरे करके अपने नंबर्स बढ़ा रहा है, मतलब कि अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो पाइनियर्स हैं उस पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि इस साल के मोस्टली चांसेस हैं कि एंडिंग से पहले आप सभी को लॉन्चिंग देखने को मिले। बट इसको आप श्योर लेके मत चलना क्योंकि KYC भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर KYC कंप्लीट नहीं होगी तो ओपन मैनेट आने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा और KYC की प्रॉब्लम इसलिए भी बन रही है क्योंकि यहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अगर 100 अकाउंट भी वेरीफाई होने के लिए जा रहे हैं तो जिसमें से 60-30 या 40 अकाउंट्स के आसपास आप पकड़ लो वो स्कैमर्स के अकाउंट होते हैं, जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो 60:40 का रेशियो आप पकड़ सकते हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेकार हो जाता है, इसी वजह से जो ओरिजिनल अकाउंट भी होते हैं उनके अंदर नेम की भी गलती होती है या डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते तो उनके अकाउंट को स्टक कर दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम लोगों का ये हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस को लेके आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, जो अभी आप $25-26 देखते हो पाई नेटवर्क के प्राइस, इससे भी ऊपर आप सबने देख रखे हैं $200-$300 और एथलेंटिक एक्सचेंज पे तो आपने देखा था कि 72 घंटे के अंदर $70,000 जा चुका था, जो कि बिटकॉइन भी $65,000 गया है हाईएस्ट 2021 में, ठीक है। बट ये पाई नेटवर्क फेक तरीके से जो एथलेंटिक एक्सचेंज है उसने $70,000 शो किया था, जो कि 55 लाख से भी ऊपर का अमाउंट, मतलब 60 लाख के आसपास का अमाउंट, ठीक है, एक पाई। तो इतना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके बिल्कुल भी मत चलना। जब ये लॉन्च होगा तो ये $3-4 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, डिमांड कैसे, सप्लाई कैसे, उसके हिसाब से इसका प्राइस का वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और बात की जाए कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या इसके अंदर फ्यूचर है नहीं है, छोड़ दें क्या करें। देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है और आपके एक चीज़ क्लियर है, आप यहाँ पे या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए किस लिए आए हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को यहाँ से पैसा जनरेट करना है। दो चीज़ें आपको माइंड में लेके चलनी है, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर एंटर करते हो, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एंटर करते हो, सबसे पहली चीज़ है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए सिंपल ये एक गैम्बलिंग है, जुए की तरह आप इसको लोगे। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हो अच्छा खासा एंड देन आपका पैसा एकदम से ऊपर हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप सोचोगे क्या किस्मत है, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कम पैसा लगाते हैं, फिर अच्छा उनका रिटर्न देखने को मिलता है, फिर और ज़्यादा पैसा लगाते हैं, फिर उनको और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जब वो सोचते हैं कि यार हमारी तो सारी प्रिडिक्शन अच्छी जा रही है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, तो हम इसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जैसे ही वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लोन ले लेके पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और उनको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जो कि वो रिकवर भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक तो भाई उनमें मोटिवेशन नहीं होता ना, कोई चीज़ सीखने की वो क्षमता होती है।
है, मतलब वो मार्केट को समझते हैं जुआ है, इसके अंदर आप आओ पैसा लगाओ, किस्मत के भरोसे है कि कल क्या होने वाला हमें तो पता नहीं है, तो ये सोचते हैं कि कल क्या हुआ पता थोड़ी है, अगर मार्केट अच्छी जाएगी तो मतलब बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ये सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, बट जो रियल ट्रेडर होता है वो सोचता है कि भाई आज मेरा लॉस है तो आज लॉस है, उसको कंफर्म होता है, वो चीज़ों को ईगो पे नहीं लेता, ठीक है। जो रियल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो लोग 30 ट्रेडिंग भी कर रहे हैं पूरे महीने के अंदर तो 4 से 5 ट्रेडिंग उनकी लॉस में जाएगी, ठीक है, जाएगी कंफर्म है, बाकी वो 24-25 जो उनकी ट्रेडिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है, इस वजह से उनका ओवरऑल बहुत अच्छा खासा लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। और वो ऐसे ही नहीं बनता, उनके पास सारी नॉलेज होती है, प्रॉपर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर वो इंडियन मतलब कि इंडियन निफ्टी 50 को टारगेट कर रहे हैं या आउटसाइड कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, यूएसए मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसको आप टारगेट कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, आज की न्यूज़ क्या है, कंपनीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम के अंदर किस चीज़ की नीड है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स अभी के टाइम में धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुकी है, जिन्होंने पहले इसमें पैसा लगाया होगा उसको आज के टाइम में प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके ये और बूम करेगी। सेम चीज़ NFTs, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इन सभी के साथ है, आपको पाई नेटवर्क के थ्रू नॉलेज मिलेगी, या आपको यहाँ से नॉलेज नहीं लेनी तो कहीं और से आप नॉलेज लो, क्योंकि आने वाले 3-4 साल बाद इसी की डिमांड आप सभी को पता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको जुटलाएंगे, तो आप सभी के सामने बहुत बड़ा एग्जांपल ChatGPT का है, AI का है, जो आप सभी देख पा रहे हो। AI के चक्कर में आप सभी को पता है लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स भी जा रही है, गूगल से, फेसबुक से, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज से, आपके लोकल में भी आपको पता होगा कि बहुत सारी जगहों से लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है उनको देने की सैलरी, वो थोड़ी देखेंगे आपका कि आपकी फैमिली किस तरीके से रन कर रही है, आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है, ऐसा वो नहीं देखेंगे, उनको फर्स्टली अपना प्रॉफिट देखना है किसी भी कंपनी को, ठीक है। और आप भी ऐसे ही करोगे अगर आप बिजनेसमैन होते तो यही चीज़ है, आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल होगी, तो आप बहुत पैसा बना सकते हो। तो इस वजह से अगर लगता है कि आप पाई नेटवर्क के साथ मतलब जुड़ के काम करना चाहते हो, या यहाँ से सीखना चाहते हो, या यहाँ पे अपनी माइनिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उस पर स्विच कर दो, क्योंकि ओवरऑल चीज़ क्या है कि आपको बनाना है पैसा, तो पैसा कहाँ से बन सकता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। कोई फोर्सेबल नहीं है भाई कि पाई को लग रहा है कि आपको छोड़ना है तो छोड़ दो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन को या आपको हमको सबको बनाना है पैसा, तो पैसा कैसे बनेगा, नॉलेज से बनेगा, और नॉलेज के बाद अच्छी इन्वेस्टमेंट से, तो नॉलेज आप सब जगह से ले लो जहाँ से आपको चाहिए, एंड देन आप सभी वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कल को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप सो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।